हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो काफी हद तक दूर होने वाली है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताएं कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रायल बैलेंस लिया है। ट्रायल बैलेंस से ही मैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेबिट साइड है ये मेरा, इस साइड तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और जो भी है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्लस मेरा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सेल्स, परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, मतलब ट्रेडिंग में जाएगी, पीएल में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्या होता है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली, ट्रेडिंग में अगर आप देखो तो जितने भी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा परचेजेस, स्टॉक, सेल, जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम है वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम पीएल की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम जो है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे बिजनेस से, वो हमारा पीएल में रिफ्लेक्ट करता है। और बैलेंस शीट जो है पोजीशन बताता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति और कितना मेरा दायित्व है। संपत्ति इन द सेंस असेट हमारा कितना है, कितना हमारी लाइबिलिटी है एज ऑन दैट डेट, वो बताता है बैलेंस शीट। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, अब ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से आ रहा है, हमारे जो लेजर्स का बैलेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ डेबिट बैलेंस होगा, कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उन्हें सजाने का जरूरत है कि हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बाइफर्केशन सीखते हैं। बाइफर्केशन को भी मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। तो ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करता है। जो भी स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे ट्रेडिंग पे रिफ्लेक्ट करेगा। परचेजेस भी ट्रेडिंग का पार्ट होता है। सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वो सेल से या तो माइनस हो जाता है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि जो कस्टमर है वो हमारा सामान जो है वो रिटर्न कर रहा है तो वो सेल से माइनस हो जाएगा, वो भी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। कैरेज ऑन परचेज क्या है, कैरेज ऑन परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या परचेजेस से। अब जब हम परचेज करते वक्त जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कैरेज ऑन परचेज जो है वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। वेजेस क्या है, वेजेस जो हमारे लेबरर है, जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम दे रहे हैं जो भत्ता, वो हो गया वेजेस। तो वेजेस भी हमारा ट्रेडिंग में ही रिफ्लेक्ट होगा। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बिल रिसीवेबल मतलब कि मिलने वाला है, कुछ पैसा मिलने वाला है, तो वो मेरा असेट है और असेट हमारे बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है। डेटर्स की अगर मैं बात करूं तो डेटर्स से भी हमें पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, तो ये मेरा असेट है, तो असेट हमारे बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करेगा। इनकम टैक्स जो है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, अगर बिजनेस पे करता है तो वो एक तरह का ड्रॉइंग्स होता है जो हमारे कैपिटल से माइनस हो जाता है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में जाएगा और हमारे कैपिटल से जो है माइनस हो जाएगा। कैश एट बैंक तो आपको पता ही है, बैंक बैलेंस हमारे लिए असेट है, हमारे असेट साइड में बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपियर कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। बैलेंस शीट में हमारा असेट साइड में जो है वो रिफ्लेक्ट करने वाला है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फर्नीचर की अगर हम बात करें, फर्नीचर हमारे लिए असेट है तो वो हमारे बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करेगा। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे लिए असेट है। डिस्काउंट क्या है, दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हम किसको अलाउ करते हैं, हमारे कस्टमर को, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये जो है ये पीएल में रिफ्लेक्ट होगा।
ठीक है। अब हम सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी हम किसको दे रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जैसे अकाउंटेंट वगैरह, इन लोगों को हम क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। तो ये जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी से। सो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो मेरे पीएल में रिफ्लेक्ट करेगा। इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पीएल में रिफ्लेक्ट करेगा। रेंट दो तरह का होता है, एक तो ऑफिस का रेंट, एक फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट की अगर हम बात करें तो वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफिस रेंट के बारे में, तो ऑफिस रेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माय प्रोडक्शन एक्टिविटी और माय परचेजेस। तो इसलिए वो जो है वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? वो मेरे पीएल में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम फ्रेट एंड ड्यूटी की बात करें, फ्रेट एंड ड्यूटी अगर रिलेट कर रहा है परचेजेस को तो वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर वो सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेल से रिलेट कर रहा है, अगर हम कुछ फ्रेट सेल से रिलेशन में पे कर रहे हैं तो वो पीएल को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो वो मेरे कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल का मतलब क्या है? जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। लेकिन बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या है? एक तरह से लाइबिलिटी है। अगर ओनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से तो वो ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स के कारण हमारा कैपिटल जो है वो घट जाता है, तो वो बैलेंस शीट आइटम है, कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगा। अब सेल्स की बात करें तो सेल्स परचेजेस स्टॉक ये सारा मेरा ट्रेडिंग आइटम है, तो ये ट्रेडिंग को ही रिफ्लेक्ट करेगा। परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न मेरे परचेजेस को क्या करता है? कम कर देता है। तो ये मेरे ट्रेडिंग का पार्ट है, वो ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करेगा। डिस्काउंट सीन्स क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव है। और डिस्काउंट हमें किससे मिलता है? हमें क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलता है। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है, दैट इज पैसा देना बाकी है, मेरी दायित्व है, मेरी लायबिलिटी है, तो मेरे लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करेगा बैलेंस शीट के। बिल पेबल मतलब देना बाकी है, कुछ भी पेबल वो क्या है? देना बाकी है, तो ये हमारे बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करेगा। और कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, हमें ओनर को चुकाना है, तो वो भी बैलेंस शीट पे ही इफेक्ट करता है। तो ऐसे सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस को पकड़ो और उसके बाद उसका बाइफर्केशन कर लो। तो बाइफर्केशन करने के बाद आपका ट्रेडिंग ऐसे दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। तो अगर आप देखो तो दो साइड होता है ट्रेडिंग पीएल का, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, परचेजेस से मेरा परचेज रिटर्न लेस हो जा रहा है, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या करता है? हमारे परचेजेस को कम कर देता है। वेजेस जो है वो मेरे ट्रेडिंग में इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैरेज इनवर्ड फ्रेट एंड ड्यूटीज भी हमारे ट्रेडिंग को इफेक्ट कर रहा है। सेल्स का अगर हम देखें तो सेल्स हमारे क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रेडिंग के, और सेल्स रिटर्न्स कम कर दे रहा है सेल के वैल्यू। तो आप ट्रेडिंग से क्या निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम ट्रेडिंग से निकालते हैं। जो भी मेरा सेल है माइनस मेरा जो भी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और वेजेस और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको अगर हम माइनस कर दे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकलता है। तो ट्रेडिंग हमें ग्रॉस मार्जिन जो हमारा है वो देता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है पीएल में। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक मैंने निकाला नहीं है, क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लासिफिकेशन किया है, मैंने एडजस्टमेंट अभी तक किया नहीं है। तो जब तक मैं एडजस्टमेंट नहीं कर लेती, मैं दिखाऊंगी क्या क्या एडजस्टमेंट रहता है, वो करने के बाद ही हमारा पीएल ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बन के निकलेगा। तो अब डिस्काउंट रिसीव जो है वो मेरा क्या है? इनकम है। तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए पीएल साइड में, क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे आपका रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो आप देख सकते हैं वो मेरे पीएल के डेबिट में आ रहा है। और बैड डेट मेरे लिए लॉस है, इट इज अ लॉस, तो वो भी डेबिट साइड में आ रहा है। तो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उससे हम सारा चीजें माइनस करेंगे, जितने भी मेरे इनडायरेक्ट खर्चे हैं और मेरा जो इनडायरेक्ट इनकम है वो ऐड करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट क्या होगा? अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो है ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेस को किसको देना है? ओनर को देना है। तो ये नेट प्रॉफिट जो है हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। कैपिटल भी एक तरह का लाइबिलिटी है क्योंकि ओनर जो है इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में,
और बिजनेस के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है जो उसको ओनर को रिटर्न करना है, तो कमा के रिटर्न करना है, इसलिए नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट की बात करूं कि बैलेंस शीट में क्या क्या रिफ्लेक्ट करने वाला है। अभी हमने डिस्कस तो किया ही था, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस। प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारे लिए असेट है 65,000 का, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड जो है हमारा स्टॉक वो भी असेट है, असेट हमारा करंट एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर ये एसेट है, बिल रिसीवेबल बैंक, ऑल दीज आर एसेट जो हमारे एसेट साइड को इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्स पेबल की अगर हम बात करें, कुछ देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, और कैपिटल से हमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि नेट प्रॉफिट को इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा दायित्व ओनर की तरफ बढ़ रहा है इसलिए। और हम ड्रॉइंग्स को लेस कर रहे हैं क्योंकि ड्रॉइंग्स इज अ विड्रॉल बाय ओनर, ओनर कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो उससे हमारी जो लाइबिलिटी है, हमारी मतलब बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो कम हो जा रही है। अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करते हैं। कुछ कुछ एडजस्टमेंट मैंने दिया है जो काफी बार आए हैं, बार बार आते रहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले हम ये वाले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। वेजेस इंक्लूड ₹2,600 फॉर द ईयर 2023। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम बैलेंस शीट किस साल का बना रहे हैं। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 2022-23 की, तो मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का हमारा बैलेंस शीट बनेगा। तो ये जो बोल रहा है कि 2600 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो हम हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि इस साल का अगर खर्चा है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा, अगर नेक्स्ट साल का खर्चा है तो वो इस साल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मतलब वेजेस में 2600 नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो है वो वेजेस में इंक्लूडेड है। तो वेजेस को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और बाकी का जो है वो प्रीपेड में डालना पड़ेगा। प्रीपेड मतलब पहले से हमने पे कर दिया है। तो वेजेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर हमको एक्सपेंसेस को कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली हम वेजेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे, 2600 से। तो कुछ डेबिट तो करना पड़ेगा। प्रीपेड वेजेस जो है हमारा, प्रीपेड वेजेस उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या है कि मैंने पहले से पे कर दिया। कोई चीज प्रीपेड होता है तो वो मेरे लिए असेट होता है जो मेरे बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेगा, प्लस मेरे वेजेस को भी कम कर देगा। तो इसका अगर मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊं अच्छे से, तो यहाँ पर हम जाके एडजस्टमेंट देखते हैं कि वेजेस का आखिर एडजस्टमेंट हुआ क्या है। तो मैंने बोला वेजेस से क्या होता है कि मेरा जो है वेजेस प्रीपेड है, तो प्रीपेड अमाउंट को मैंने लेस कर दिया 2600 को, किससे, जो मेरे वेजेस का अमाउंट है। तो इस साल का मेरा वेजेस का अमाउंट अगर आप देखो तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग गया, दैट इज 12,400। मैंने प्रीपेड का अमाउंट को क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपको ये क्लैरिटी हो गया कि कैसे मैंने प्रीपेड के अमाउंट को जो है हटा दिया है। ओके, अब ये जो है प्रीपेड ये बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप बैलेंस शीट में जाओ तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि प्रीपेड वेजेस भी आ रहा है। ये देखिए मैं येलो कर देती हूँ, थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रीपेड वेजेस मेरा असेट का पार्ट हो गया, क्योंकि असेट इसलिए है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है और मैंने पहले से ही पे कर दिया, उसका बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके, कुछ भी बेनिफिट अगर मेरे को बाद में मिले, फ्यूचर में मिले, तो दैट इज माय एसेट। अब हम लोग बात करते हैं और एडजस्टमेंट के बारे में ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताता है कि रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9 मंथ्स, खाली 9 महीने का रेंट हमने पे किया है। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का रेंट ही पे किया है, तो 3 महीने का रेंट अभी भी ड्यू है। ड्यू का मतलब देना बाकी है, तो हमको तो इस साल रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि
हमने क्या सीखा है, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि इस साल का खर्चा आपको इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इवन वो पे हो या ना हो। तो इसमें क्या है, 3 महीने का खर्चा मैंने अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एंट्री हम मारेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमें अभी रेंट पे करना बाकी है। मेरे लिए क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लायबिलिटी है, मुझे देना बाकी है। तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया, वो मेरा एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। कितना महीने का, ये जो 1800 रुपया है वो 9 महीने का। आप बोलोगे मैम 1800 रुपया कहाँ से आया, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में ये 1800 रुपया, मतलब खाली 9 महीने का ही मैंने पे किया है। तो अभी भी 3 महीने का ड्यू है, तो ये जो 1800 रुपया है वो कितने महीने का है, अगर हम बात करें तो ये 9 महीने का है। 1800 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 महीने का कितना होगा, 600 रुपया। तो 600 रुपया अभी भी ड्यू है। तो आप कैसे इसका इफेक्ट करोगे, हम लोग देख लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेंट का जो अमाउंट है 1800 रुपया, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 600 रुपया। और क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो ये मेरे रेंट के अमाउंट से ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग है तो मतलब मेरे बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बैलेंस शीट में अगर आप बात करें तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखिए दो साइड होता है, एक असेट साइड एक लाइबिलिटी साइड। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो मेरे लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी मेरे को ये देना बाकी है, इसलिए वो मेरे लाइबिलिटी साइड में आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। और एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं कि और हम क्या एडजस्टमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी चार्ज एट 10% एंड 5%। मतलब डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पे हमें लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वियर एंड टियर। आप कोई भी मशीनरी या फर्नीचर, कोई भी असेट अगर आप यूज कर रहे होते हो तो उसके वैल्यू का डिक्रीज होता रहता है, तो उसका जो है हमको चार्ज करना पड़ता है पीएल में हर साल। तो ये डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% और 5%, ये मेरे पीएल का में दिखेगा, जिससे मेरे प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री एकदम सिंपल है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम डेबिट कर रहे हैं, कितना रुपये से हमें डेबिट करना है, 65,000 जो है उसको हमें 10% से मल्टीप्लाई करना है, तो 6,500 जो है वो मेरा डेप्रिसिएशन का पार्ट आ गया। आप बोलेंगे मैम 65,000 कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में मेरा 65,000 का प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका वैल्यू 6,500 से घट गया है, और वैसे ही फर्नीचर मेरा जो है कितने रुपए का था, अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो फर्नीचर मेरा जो है वो 12,000 का था, जिसका वैल्यू जो है 5% से मुझे कम करना है। तो 5% से अगर मुझे कम करना है तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, सिंपली दो जगह आएगा, एक मेरे पीएल में आएगा। अगर आप देखेंगे विद एडजस्टमेंट वाले पीएल में आप जाके नीचे देख सकते हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया है, जिस कारण मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन मेरे पीएल को इफेक्ट करेगा, प्लस मेरे बैलेंस शीट को भी इफेक्ट करने वाला है। अगर आप यहाँ देखो तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हो रहा है 6,500 से, और एक्चुअल में उसका वैल्यू 58,500 रह रहा है, और फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है 600 रुपए से, और 11,400 जो है उसका वैल्यू रह रहा है। तो ऐसे जो है हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो हुआ है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो डेप्रिसिएशन का, रेंट का, प्रीपेड वेजेस का, ये सारी चीजों का हमने कर लिया।
अब हम बात करते हैं गुड्स वर्थ ₹500 यूज फॉर सैंपल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। मतलब क्या है कि मैंने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, अब सैंपल किससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो खरीदोगे वही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो परचेजेस से आपने सैंपल बांटा होगा, तो परचेज का जो वैल्यू है वो आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कैसे कम करेंगे, परचेज का नेचर क्या होता है, आप जब परचेज करते हो तो सामान आता है और वो डेबिट होता है, तो परचेज को अगर आप कम कर रहे हो तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन क्यों कम कर रहे हो आप, क्योंकि आपने सैंपल बांटा है। सैंपल बांटा है मतलब क्या है, आपने एडवर्टिजमेंट किया है, ठीक है, उस चीज का एडवर्टिजमेंट किया है, तो एडवर्टिजमेंट को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। एडवर्टिजमेंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे आपका एडवर्टिजमेंट डेबिट हो गया और परचेज क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो एडवर्टिजमेंट जो मैंने आपका यहाँ पर डेबिट किया है, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये जो है मेरे पीएल में रिफ्लेक्ट करने वाला है। इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो सेल्स रिलेटेड है, मेरे परचेज रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, मुझे कुछ बेचना है इसलिए मैंने सैंपल दिया है, राइट। और परचेजेस से भी कम हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट में हम जाते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट की बात करो तो मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर। सबसे पहले परचेज से जो सैंपल है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा परचेज का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, दैट इज गुड्स यूज फॉर सैंपल को मैंने रिड्यूस कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखो तो ₹500 से मैंने रिड्यूस कर दिया। प्लस इसका एडवर्टिजमेंट में भी इफेक्ट आएगा, यहाँ पर एडवर्टिजमेंट में भी मैंने दिखाया है पीएल में, तो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। तो यहाँ पर जो है एडवर्टिजमेंट में भी दिखाया है, प्लस मैंने गुड्स यूज फॉर सैंपल को परचेजेस से भी कम किया है, तो दो जगह इसका इफेक्ट मैंने दिखाया है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे एंट्रीज की बात करते हैं। बैंक हैज इंटीमेटेड दैट अ चेक फॉर ₹1400 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड इज स्टिल टू बी एंटर्ड इन द बुक्स। मतलब अभी चेक जो है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, जब हमें डेटर से पैसा मिलता है तब क्या एंट्री होता है, पैसा आ रहा होता है, तो बैंक डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर पैसा जो है वो डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो गया और डेटर का वैल्यू भी बढ़ गया, डेटर से तो पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा जो है वो डिसऑनर हो गया, उसका चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या होगा, डेटर्स को हम वापस खड़ा कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेटर्स को हम वापस से खड़ा कर रहे हैं और बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो ऐसा हमने किया है ₹1400 का। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका दो इफेक्ट होगा, एक तो डेटर में इफेक्ट होगा इसका ऑब्वियसली, और इसका बैंक में भी इफेक्ट होगा। बैंक का बैलेंस जो है पहले तो बढ़ा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिसऑनर हो गया है चेक, और डेटर्स का बैलेंस पहले कम हुआ था अब बढ़ जाएगा। तो हम एडजस्टमेंट की ओर रुक करते हैं। एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो अगर चेक डिसऑनर होगा तो मेरा डेटर्स का बैलेंस, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मैंने ऐड कर दिया है डेटर्स के बैलेंस को जो है वो बढ़ा दिया है चेक डिसऑनर के कारण। और डिसऑनर का मतलब है कि चेक जो है वो बाउंस कर गया, बैलेंस नहीं होगा डेटर्स के पास इतना, ठीक है। और ये जो है मेरा बैंक का बैलेंस भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये घट गया है, बैंक का बैलेंस घट गया है और डेटर्स का बैलेंस जो है वो बढ़ गया है, अगर आप समझो तो, ओके। तो ऐसे मैंने एडजस्टमेंट किया, और एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट देखते हैं। टोटल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 2200, टोटल बैड डेट कितना है, ₹2200 का। अगर आप यहाँ पर देखें टोटल बैड डेट, तो हमारा बैड डेट अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 500 दिखा रहा है, तो और मुझे बैड डेट जो है वो राइट ऑफ करना है, मतलब टोटल कितना है 2200, लेकिन मैंने राइट ऑफ कितना किया है 500, तो मेरे को ₹1700 और जो है बैड डेट को राइट ऑफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली कहाँ जाएंगे, हम सिंपली पीएल में जाते हैं। मैं एडजस्टमेंट करके आपको दिखाती हूँ कि पीएल में हम क्या कर रहे हैं।
पीएल में अगर आप जाओगे तो फर्दर बैड डेप्ट आपको कितना दिखाना पड़ेगा, और 1700 रुपए का बैड डेप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और बैड डेप्ट के कारण आपका क्या होगा, बैड डेप्ट के कारण आपका डेटा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है आपको? डेटा का वैल्यू जो है बैड डेप्ट के कारण क्या होता है, घट जाता है। तो हमको बैड डेप्ट का मतलब क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि नुकसान हो गया, डेटर से पैसा नहीं मिला। अगर डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर का वैल्यू तो घट जाएगा। तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ फर्दर बैड डेप्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो मैंने लेस किया है डेटर से। क्यों लेस किया है डेटर से, क्योंकि डेटर्स का वैल्यू इस कारण घट रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब और देखते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। लास्ट हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो प्रोविजन रिलेटेड है, जिसमें आपको सिंपली बताया गया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डेटर्स जो है उससे इतना 5% पैसा जो है वो नहीं मिलने वाला है, आप उसको सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करके पहले से ही कुछ अमाउंट 5% जो है उसका क्रिएट कर दे रहे हो प्रोविजन। तो किसका प्रोविजन बनेगा, जो डेटर्स के बैलेंस होंगे उसका प्रोविजन बनेगा। तो एग्जैक्ट बैलेंस कितना है डेटर्स का देखते हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखो, ऊपर मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ आपको, डेटर्स का बैलेंस जो है वो 43,000 है। कितना है, 43,000 है। 43,000 जो है हमारा डेटर्स का बैलेंस है, जिसमें से बैड डेप्ट कितना का हुआ, फर्दर जो मेरा एडजस्टेड नहीं था 1700 का बैड डेप्ट हुआ, और मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया 1400 रुपए का, जिस कारण मेरे डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि मेरा चेक जो है वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो 42,700 का जो है हमारा डेटर्स का जो बैलेंस है होगा, जिसमें हमको 5% क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन कितना परसेंट बनेगा, 42,700 का 5% मैंने बनाया है, अगर आप देख सकते हैं तो इतना मेरा डेटर्स का बैलेंस अभी रिमेनिंग है। तो प्रोविजन कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, एक तो मेरे डेटर के बैलेंस को प्रोविजन कम कर देगा, और प्लस मेरे पीएल में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप देखिए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो मेरे पीएल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, पीएल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस कारण मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है और कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे डेटर के बैलेंस को भी कम कर देगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात करें तो यहाँ पर मेरा डेटर का जो बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन भी आपने देखा होगा, डेप्रिसिएशन एक तो पीएल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरा मेरे फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को भी कम कर रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लाइबिलिटी साइड को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इनकम टैक्स जो है, अगर कोई बिजनेस पे कर रहा है ओनर के लिए, तो वो इनकम टैक्स एक तरह से ड्रॉइंग्स है जो मेरे ड्रॉइंग्स को बढ़ा देगा और मेरे कैपिटल को जो है वो घटा देगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया। इसका सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आप जितना भी आइटम है जो ट्रायल बैलेंस में अपियर कर रहा है वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दो, उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट है उसका जर्नल एंट्री आप पास कर दो, और उसका इफेक्ट्स जो है आप कर लो, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जरूर बताएं कमेंट करके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम काफी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा सफर। थैंक यू सो मच गाइस।